मुख्यमंत्री विद्युत बलों में राहत योजना के तहत गुरुवार को जोबट में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां 3,67,00,000 रुपए के बिल माफ किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। कोविड के समय देश के साथ प्रदेश में लागू लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं के आए बिजली बिल बोझ बन बैठे थे। वहीं आज जोबट में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जहां 11,902 लोगों का बिजली बिल माफ किया गया। आयोजन में भारतीय जनता पार्टी की विधायक सुलोचना रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस योजना से जोबट नगर एवं ग्रामीण पर भारी भरकम बिलों से कई उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जोबट में 11,902 लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है, जिसकी राशि 3,67,00,000 रुपए है। बिजली बिल माफी के तहत हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना काल में हमारे किसान भाइयों के जो बिजली के बिल आ रहे थे उन्होंने माफ किए थे, तो हमारे किसान भाइयों ने और हमने सबने और हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने मांग करी कि हमारे किसान भाइयों के बिजली के और बिजली के माफ होना चाहिए बिल। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिजली के बिल यहाँ पे हमारे जोबट में 11,902 लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है, इसमें 3,67,00,000 रुपए माफ किए गए हैं। इसके सर में 12,762 रुपए का माफ हुआ है। मैं निवासी जोबट का हूँ, बागरोड। इस कार्यक्रम में विधायक सुलोचना रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, मंडल अध्यक्ष रमेश डावर, नगरपालिका उपाध्यक्ष संजय वाणी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मौसम डावर, सलाहकार वसंत राठौर, तरुण जैन एवं वरिष्ठ नेता मांगीलाल जैन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जोबट।